विभागीय नियमों का डर और कसावट नहीं होने के कारण फैक्ट्री प्रबंधन निरंकुश होकर लगातार कामगारों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तिलतरा क्षेत्र के 6 खतरनाक श्रेणी के जो उद्योग हैं, उन्होंने स्वास्थ्य शिविर नहीं लगाया है। और ये आपके सामने जवाब है माननीय अध्यक्ष जी, और इस जवाब में कहा गया एक भी शिविर नहीं लगाया गया है कि GR स्पंज लिमिटेड में 291 जांच होती है और केवल 31 जांचों को अपलोड किया जाता है। सदन को गुमराह करने वाले कौन है जो आपके जवाब और इस जवाब में फर्क है? मजदूरों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है, ऐसे मिलीभगत करने वाले अधिकारियों पे क्या कड़ी कार्रवाई कर एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे? अगर माननीय जी कह रहे हैं कि कोई उद्योग जांच नहीं कराया है, पूरी तरह से गुमराह किया जा रहा है। 108 का ये जवाब मेरे हाथ पे है और अभी 32 इंडस्ट्रीज का नाम लिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो इस गुमराह कर रहे हैं, जो गलत जवाब दे रहे हैं सदन में, उन पे क्या कार्रवाई करेंगे आप? सील लगा हुआ बराबर ओरिजिनल प्रति है मेरे हाथ में। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में अफसरशाही हावी हो चुकी है और इतनी हावी हो चुकी है कि मंत्रियों को भी गलत जानकारियां दी जा रही हैं। इसका नतीजा ये है कि गलत जानकारियां विधानसभा में रखी जा रही हैं और इन गलत जानकारियों के कारण सत्ता पक्ष घिरता नजर आ रहा है और घेरने वाले भी अपने ही हैं, यानी कि उसी दल के जिस दल की छत्तीसगढ़ में सरकार है। मामला जो है उद्योग विभाग से संबंधित है और उद्योग मंत्री इसका जवाब दे रहे थे। मसला ये है कि धरसीवा के जो विधायक हैं अनुज शर्मा, उन्होंने विधानसभा में कुछ जानकारी मांगी थी कि जो छत्तीसगढ़ में भारी उद्योग चल रहे हैं उनमें जो श्रमिक काम करते हैं उन श्रमिकों के इलाज के लिए क्या व्यवस्था है, क्या उद्योगों में पर्याप्त स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाते हैं ताकि समय समय पर श्रमिकों की स्वास्थ्य की जाँच हो पाए और उनका समय पर इलाज किया जाए। जब ये जानकारी अनुज शर्मा को मिली तो अनुज शर्मा को जो जानकारी मिली और जो कागज़ मिले उनमें और मंत्री जो जानकारी दे रहे थे उसमें बहुत ही विरोधाभास मिला और गलत जानकारियां मिली। इसको लेकर के अनुज शर्मा ने मंत्री जी को घेर लिया और घेरने के बाद जो स्थिति बनी वो अब आप विधानसभा की इस कार्रवाई में जो प्रश्नकाल था उसमें आप साफ देख सकते हैं। अनुज शर्मा जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री जी, श्रम मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में मैंने पिछले सत्र में सवाल पूछा था तो उस पर 108 खतरनाक उद्योगों की जानकारी विभाग ने मुझे दी थी और इन उद्योगों में काम करने वाले जो मजदूर हैं, आँखों में जलन, सांस की बीमारी और त्वचा की बीमारी, कैंसर जैसे गंभीर रोगों की शिकायतें काफ़ी बढ़ी हैं। इसके विषय में मैंने सवाल पूछा था कि इन मजदूरों के स्वास्थ्य के परीक्षण के लिए क्या व्यवस्था रही है, तो उसका बहुत निराशाजनक जवाब आया है माननीय अध्यक्ष जी मेरे पास। यहाँ पर मामला ये है माननीय अध्यक्ष जी कि विभागीय नियमों का डर और कसावट नहीं होने के कारण फैक्ट्री प्रबंधन निरंकुश होकर लगातार कामगारों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। माननीय मंत्री जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि समय समय पर मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच के संबंध में क्या प्रावधान है, क्या पॉलिसी है और ये फॉर्म 21 क्या है, इसको थोड़ा स्पष्ट करके बता देंगे माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कारखाना जो चलाते हैं उनके द्वारा साल में एक बार प्रशिक्षण स्वास्थ्य शिविर लगाया जाता है और ऐसे सिलतरा क्षेत्र के 6 खतरनाक श्रेणी के जो उद्योग हैं उन्होंने स्वास्थ्य शिविर नहीं लगाया है, उनका हम लोगों ने श्रम न्यायालय में वाद दायर किया है और न्यायालय से जो फैसला आएगा, और पर्टिकुलर अगर माननीय सदस्य महोदय अगर कोई बताना चाहते हैं कि जिसमें शिविर नहीं लगा है तो उसमें निश्चित तौर पर हम लोग कड़ाई से पालन करवाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, ये मुझे जवाब आया है मेरे सवाल के जवाब में कि 2022 से 2024 के मध्य सिलतरा फेज 1 में स्थापित किसी भी उद्योग में श्रमिकों के स्वास्थ्य के संबंधी कोई शिविर आयोजित नहीं किया गया है, तो
ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं माननीय मंत्री जी अपनी बात को कि सिर्फ 6 उद्योगों ने नहीं लगाया है, और ये आपके सामने जवाब है माननीय अध्यक्ष जी, और इस जवाब में कहा गया एक भी शिविर नहीं लगाया गया है। तो मंत्री जी, ये मैं जानना चाहता हूँ कि सदन को गुमराह करने वाले कौन हैं जो आपके जवाब और इस जवाब में फ़र्क है, तो मैं जानना चाहूँगा कि इस पर क्या कार्रवाई करेंगे वो, पहली बात। दूसरी बात ये कि जितनी जाँचें होती हैं उसको साइट पे अपलोड करना ज़रूरी है, और ये नियम है, ये नियम जारी किया गया है, इसके अंतर्गत अपलोड करना ज़रूरी है माननीय अध्यक्ष जी। और अपलोड करने की हालत ये है कि GR स्पंज लिमिटेड में 291 जांच होती है और केवल 31 जांचों को अपलोड किया जाता है। भगवती पावर में 241 जांचें होती और सिर्फ 23 वर्करों की रिपोर्ट अपलोड की जाती है। ड्रोलिया इंडस्ट्रीज़ में 312 और उसमें भी बहुत कम जांचों को अपलोड किया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन्होंने सदन को गुमराह किया है, जिन्होंने मजदूरों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है, ऐसे मिलीभगत करने वाले अधिकारियों पे क्या कड़ी कार्रवाई कर एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले बताया कि 6 कारखाना में जांच शिविर नहीं लगा है, और सिलतरा क्षेत्र में अपने 32 कारखाना स्थापित हैं जिसमें 25 खतरनाक श्रेणी के हैं, और 6 में ही मात्र स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया गया है, और विभाग के द्वारा शिविर नहीं लगाया जाता है परंतु उद्योग के द्वारा शिविर लगाया जाता है। अगर माननीय जी कह रहे हैं कि कोई उद्योग जांच नहीं कराया है तो हमको बता देंगे, उनका कड़ाई से साथ में हम लोग पालन कराएंगे, और जो नहीं करता है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी। माननीय अध्यक्ष जी, पूरी तरह से गुमराह किया जा रहा है। 108 का ये जवाब मेरे हाथ पे है, और अभी 32 इंडस्ट्रीज का नाम लिया गया है, और जांच कराने वालों की भी संख्या में बड़ा ऊपर नीचे हो रहा है मामला। मैं जानना चाहता हूँ कि सदन को गुमराह करने वाली है, मेरे पास जवाब रखा हुआ है आज का, आज के सवाल के उत्तर में एक भी कैंप आयोजित नहीं किया गया है, ऐसा लिखा गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो इस गुमराह कर रहे हैं, जो गलत जवाब दे रहे हैं सदन में, उन पर क्या कार्रवाई करेंगे आप? हर बार आपका हर जवाब हर बार अलग अलग आ रहा है माननीय मंत्री जी। देखिए, कोई भी गुमराह वाला जवाब नहीं आ रहा है, ना कोई गलत। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे पास 108 लोगों की लिस्ट है, ये रहा, और ये मेरे हाथ में, और ये भी सदन से ही मुझे प्राप्त हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी को मैं बताना चाहूंगा, मेरे हाथ में जांच कर लें, सील लगा हुआ बराबर ओरिजिनल प्रति है मेरे हाथ में, और बार बार संख्याओं में परिवर्तन हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, क्या ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे या नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं जो सदन को गुमराह कर रहे हैं। ये अधिकारी मन काकरो लोग माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सिलतरा के बारे में जानकारी मांगा है, और अभी वो 108 उद्योग के बात कर रहे हैं, और जो जानकारी मांगी गई उसमें सिलतरा क्षेत्र के उद्योग क्षेत्र के बारे में जानकारी मांगी गई है। अगर उनका पूरा प्रदेश का चाहिए तो मुझे बता देंगे, उनको पूरा प्रदेश उपलब्ध करा दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें लिखा हुआ है सिलतरा फेज 1 एवं फेज 2 में स्थापित कारखानों की सूची ऐसे विभाग ने मुझे दिया माननीय अध्यक्ष जी। यानी मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि सदन को जिन्होंने गुमराह किया है उन पर कार्रवाई करेंगे या उनको ऐसे ही छोड़ देंगे, हमारे मजदूरों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को? विधायक जी, जिन बातों की बात कर रहे हैं तो उसकी थोड़ी सी जांच करा लें, जब वो उनको लगता है कि वो अधूरा है तो आप दिखवा लें। ये साक्ष्य मेरे पास है माननीय अध्यक्ष जी। बिल्कुल, अगर आप बता रहे हैं तो मुझे आप दे दें, जाँच करा लें। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से जो है अफसर जो है गलत जानकारियां मंत्रियों को दे रहे हैं, और उस गलत जानकारियों के कारण उनको विधानसभा में शर्मसार होना पड़ रहा है। आगे और भी छत्तीसगढ़ और देश और दुनिया की ताज़ा तरीन मसलों को लेकर के आप तीरंदाज से जुड़े रहिए, और तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक।